हज़रत ज़ीवकार जिस वक़्त हजाज बिन यूसुफ के सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र जमील हुआ तो वो जल गया और जल के कहने लगा, खबरदार कोई बंदा मेरे सामने ये ना कहे कि हुसैन नबी करीम अलैहिस्सलाम के अपने साहिबजादे हैं, उनके अपने बेटे लगते हैं, बल्कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शहजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा के बेटे हो के नबी करीम अलैहिस्सलाम के शहजादे नहीं बल्कि नवासे लगते हैं। हज़रत ज़ीवकार तवज्जो चाहूँगा, बड़ी काबिले गौर बात है, जिस वक़्त उसने ये जुमला कहा तो उस वक़्त जनाबे वाला मजमा आम है, मजमा आम में से किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो खड़ा होकर जनाबे वाला उसकी इस बकवास का जवाब दे सके। हजरत ज़ीवकार देखते ही देखते एक गैरतमंद आलम दीन, एक गैरतमंद जुर्रतमंद आलम दीन, सुन्नी आलम दीन हजरत यहया बिन यामर उठ के खड़े हो गए और जनाबे वाला उस हजाज बिन यूसुफ को मुहातब होके कहने लगे, कज़्ज़बता अय्युहल अमीर, अपनी जुबान को बंद कर, अपने जनाबे वाला बकवास को बंद कर, मैं तेरे सामने साबित करके तुझे बताऊंगा कि कमली वाले की बेटी सैयदा फातिमा के बेटे, कमली वाले की बेटी के बेटे हो के मुस्तफ़ा करीम के अपने बेटे लगते हैं। तो हजरत ज़ीवकार अब ज़रा तवज्जो चाहूँगा, बड़ी काबिले गौर बात है, हजरत ज़ीवकार अब ज़रा हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या कहा। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा कि मेरे सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी जुर्रत किसी में नहीं हुई कि वो मेरे सामने उठ के मुझे जवाब दे सके। उसने कहा, अच्छा साबित करो, और साबित करके दिखाना है, कुरान से साबित करना है, और कुरान से साबित करके तुमने बताना है कि मुस्तफ़ा करीम की बेटी के बेटे सैयदा जहरा के बेटे मुस्तफ़ा करीम के बेटे हैं, मुस्तफ़ा करीम की ज़ुर्रियत में से हैं, ये तुमने कुरान से साबित करना है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमने साबित ना किया, तुम्हारी जो कि गर्दन है वो तन से जुदा मैं करके दिखाऊँ। मुस्तदरक लिल हाकिम से पढ़ रहा हूँ। हजरत यहया बिन यामर डरे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, बल्कि अपनी बात पे कायम रहते हुए रब का कुरान पढ़ने लगे, और कुरान पढ़ के उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को ये बताया, ए हज्जाज हसन हुसैन जो के मुस्तफ़ा करीम की बेटी के बेटे होकर मुस्तफ़ा करीम की अपनी ज़ुर्रियत में से है। हज़रत यहया बिन यामर ने कुरान की तिलावत की और हज़रत यहया बिन यामर बोले, हज्जाज बिन यूसुफ के सामने खड़े होकर आपने कुरान की तिलावत की, आपने फरमाया सुनो कुरान, आपने सूरत अल अनाम में से कुरान की तिलावत की, फरमाया सुनो, व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस्सालिहीन। आपने जनाबे वाला कुरान की तिलावत की और कुरान की तिलावत करके फरमाया, ए हज्जाज सुनो, आदम नबी की ज़ुर्रियत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ज़िक्र किया और रब ने फरमाया कि आदम नबी की ज़ुर्रियत में से हज़रत सुलेमान आदम नबी की ज़ुर्रियत, हज़रत दाऊद आदम नबी की ज़ुर्रियत, हज़रत ज़करिया आदम नबी की ज़ुर्रियत, हज़रत यहया आदम नबी की ज़ुर्रियत, हज़रत मूसा आदम नबी की ज़ुर्रियत, अल मुख्तसर तमाम नबी आदम नबी की ज़ुर्रियत है। और जिस वक़्त हज़रत ईसा का नाम आया, हज़रत ईसा का नाम आपने लिया तो फरमाया रब का कुरान कहता है हज़रत ईसा आदम नबी की ज़ुर्रियत। हज़रत ज़ीवकार तवज्जो चाहूँगा, बड़ी काबिले गौर बात है, आपने फरमाया ईसा जिसका बाप कोई नहीं, माँ है लेकिन बाप कोई नहीं, माँ है बाप कोई नहीं, तो ईसा माँ की तरफ से
आदम नबी की जुर्रियत बन सकते हैं। तो फिर आपने फरमाया, ए हज्जाज सुना, अगर ईसा माँ की तरफ से होकर आदम की जुर्रियत बन सकते हैं तो हजरत हसन और हुसैन सैयदा जहरा की औलाद होकर, मुस्तफ़ा की बेटी की औलाद होकर मुस्तफ़ा करीम की जुर्रियत भी बन सकते हैं। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक और फरमान, सरकार ने फरमाया कि हर औरत की औलाद जो कि मर्द की जानिब मंसूब होती है सिवाय फातिमा की औलाद के, सिवाय फातिमा की औलाद हसन और हुसैन के, कि वो मेरी जानिब मंसूब होंगे और उनका वली भी मैं हूँ और मंसूब भी वो मेरी जानिब होंगे।